इब्ने हजर बुखारी की किताबों से इन्हें कहां कहां से ऐसा करते हैं बाबा। मैंने बोला था 12:15 बजे शेख शाबान को हम लोग देंगे उनके ओपनिंग कमेंट के लिए। चलिए एक लाइन में पूछ लीजिए और हम लोग दो लाइन में तीन लाइन में जवाब दें इंशाल्लाह। जी बताइए जिन्हें कौन कौन सी किताबों से जो है वो दलीलें दी जाती हैं तो उसका कैसे जवाब देंगे? जैसे बुखारी से भी हाथ धो बैठेंगे अगर वहां से कोई दलील दे रहा है वसीले की, मैं कैसे हाथ धो बैठेंगे कहीं? देखिए मैंने शुरू में कह दिया है, बहुत पहले मैंने कहा है कि जितनी भी ये लोग दलीलें देते हैं अगर कुरान और सही बुखारी से पेश करते हैं तो उसका मफहूम गलत कर देते हैं, या फिर कुछ रवायतें जिसमें क्लियर है ना अल्फाज तो साबित नहीं है सनद के अतबार से, या फिर तीसरी किस्म है मिसालों की। यही तीन चीजें हैं इनके पास, या तो कुरान और सही हदीस होगा तो उसका माना मतलब सही नहीं है, या अगर माना सही है तो हदीस सनद साबित नहीं है, या फिर मिसालें हैं, तो कैसे हम सही बुखारी से कैसे हाथ धो बैठेंगे? समझ रहे हैं आप? अपनी तरफ से मफहूम, अपनी तरफ से माना, या तो ज़ईफ़ और मौज़ू हदीस, या तो सिर्फ मिसालें, ये तीन तीन टाइप के दलाल आपको मिलेंगे। ठीक नहीं उनके पहली जैसे पहली जो किस्म है ना कि कुरान पढ़ के सही हदीस से पढ़ के गलत माना मफहूम निकालते हैं, तो उसमें हमारा जवाब क्या है? सलफ ने माना मतलब नहीं समझाया, आप कोई नया मतलब नहीं ला सकते। दूसरी किस्म की जो रवायतें हैं जो क्लियर है मफहूम में लेकिन वो सनद साबित नहीं है, गैर साबित चीजों से आप जो है अमल की बुनियाद नहीं रख सकते। तीसरी चीज मिसालें, इतना कुरान है ना हदीस है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं।